हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अब हम लोगों का तैयार, अब सुबह सुबह उठने का दिल नहीं किया बिल्कुल ही भाई। प्लानिंग तो ये थी कि सुबह सुबह जल्दी उठेंगे और निकलेंगे यहाँ से करणी माता मंदिर को 6 साढ़े 6 बजे। भाई आँख ही 7:30 8 बजे खुली है। फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया और मतलब कुल मिला के तैयार होने में टाइम लग गया। ब्रेकफास्ट वगैरह करके अब रेडी है निकलने के लिए। टाइम हो रहा है कुछ करीबन 10 के आसपास बज रहे होंगे, है ना, 9:30 10 बज रहे होंगे। मम्मी वहाँ बैठे नीचे, बच्चे खेल रहे हैं इसमें लॉबी में। ये अच्छा है, लेकिन व्यू देख रहे हो आप, बहुत अच्छा व्यू है। ये कैसा लग रहा है मम्मी यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खाना कैसा था? बहुत अच्छा खाना, अच्छा था। चलो करनी माता मंदिर चलते हैं फिर। पिताजी क्या हाल चाल है? चौधरी साहब बोल रहे हैं? चौधरी साहब सीरियस रहते हैं। क्या हाल चाल है? दांत देख रहे हो, दांत जबरदस्त चमक रहे हैं। अब जो होते हैं नीचे रिसेप्शन पे, फोन निकलते हैं उनमें बोले गाड़ी में। देखिए यहाँ पर क्या एलर्जी जैसे कुछ हो गया है, यहाँ पे देख रहे हो उसकी डिविडेंड काट लिया। यहाँ पे कुछ देख रहे हो दाग कुछ काट लिया किसी की डिविडेंड ने रात को। अब निकलते हैं भोले शंकर का नाम लेके। बोलो शंकर भगवान की जय। पड़ता है भीमसेन, ये भीमसेन चौधरी सर्कल है और यहाँ से रास्ता बंद कर रखा है इन्होंने। यहाँ से ये वन वे कर रखा है शायद, अदरवाइज यहाँ से निकलना था सीधे, इन्होंने रास्ता बंद कर दिया था शायद ये, तो अब निकलना पड़ेगा वापस उस साइड से। जोधपुर पकड़ना, अगर करणी माता मंदिर जाना है। एक करणी माता मंदिर के नाम से ना मल्टीपल टेम्पल्स हैं, तो ध्यान रखेंगे आप गूगल करके सही नाम डालें। वहाँ पे कुछ करीबन 35 किलोमीटर से मेन सिटी अंदर से और अप्रॉक्सीमेटली कुछ 40 से 50 मिनट लग जाते हैं वहाँ पहुँच। रुद्रांश को बैठना है वहाँ पे सीधा पीछे, रेयर एसी जो चलता है ना पीछे वहाँ पे, और रुद्रांश के करते हैं वहाँ बैठ के एसी का जो डक्ट है एसी की, वहाँ मुंह खोल के लगा लेगा। एसी की हवा खाता है वो, खाना तो खाता नहीं है, एसी की हवा खा के पेट भर रहा है। तो जैसे जादू धूप खाता था ना धूप, वैसे वो एसी की हवा खाता है। एक बात है भाई, यहाँ पे ना, यहाँ पे अगर आप देखो रहे हो ना, अगर आप तो सामने बादल बहुत साफ है दिल्ली के मुकाबले। दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से बादल ही काले काले दिखते हैं भाई, यहाँ पे कितने वाइट बादल है, बिल्कुल साफ क्लीन। रोड का काम चल रहा है भाई यहाँ पे। भाई ये मज़ा है राजस्थान में गाड़ी चलाने का, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया सड़क है यार, मज़ा आता है गाड़ी चलाने में, है ना। और साइड में हल्की हल्की ग्रीनरी भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रेत के टिब्बे हैं। उसका रेत के टिले जब आएंगे उसका अपना आनंद अलग मजा है। अभी देखो फ्यूल ऑलमोस्ट 4 घंटे बचे हैं सिर्फ, वापस आएंगे तो पूरा फुल कराएंगे टंका आधे टाइम, क्योंकि वो चाहिए होगा। बोल दो तो मतलब फिर भी चल जाएगा, अभी भी करीबन करीबन मेरे ख्याल से चल जाना चाहिए। देखिए कितना चलेगा अभी, अभी हमारी गाड़ी के हिसाब से नहीं, देखते हैं अभी कितना चलेगा। अभी देखो अगर आप देख रहे हो ना 230 किलोमीटर अभी भी चल सकती है और करीबन करीबन 13.1 की एवरेज निकाली गाड़ी ने, है ना, तो अच्छा है, एवरेज भी ठीक निकली है और 230 किलोमीटर चल जाएगी। बट कोई बात नहीं, जब वापस आएंगे तो यहीं से देखेंगे फ्यूल पूरा लबालब करा लेंगे बिल्कुल। लेकिन रोड कितनी सही लग रही है, बिल्कुल सीधी है ना, मस्त लग रही है रोड, एकदम बहुत सही लग रही है रोड। बाय गॉड देखो बिल्कुल स्ट्रेट रोड, कितनी सुंदर लग रही है। नहीं राजस्थान में रोड बड़े सुंदर है, इधर इधर जरा इधर। ये देखो फौजी साहब का क्या, कैसे बाबू जी मका यहाँ पक्के रोड, हाँ दाएं बाएं नहीं, ये मुड़ गया ये मुड़ गया,
सीधे देखो दूर तक रोड दिखाई देता है। हाँ अच्छा, अगर फौज में ऐसे जब आप फौज में थे यहाँ से गोली मारे कितनी दूर जाएगी? हजारों किलोमीटर। पापा यहाँ बैठ के पाकिस्तान पाकिस्तान उड़ा देंगे। अच्छा ऐसे बैठने नहीं देंगे भाई, बात ही नहीं करने देते, बच्चे ना परेशान कर रहे हैं। अब पहुंच गए देशनोक, देशनोक पिछली जगह का नाम है जहाँ पे करनी माता का मंदिर है मेन। तो वहाँ पे सिटी में घुसने से पहले फ्लाईओवर है जाना ना, आपको फ्लाईओवर नहीं चढ़ना है, आपको फ्लाईओवर के नीचे से ही लेफ्ट लेना है, नीचे रहना कुल मिला के, ठीक है, ऊपर नहीं जाना अगर आपको माता के मंदिर जाना है। काम चल रहा है, रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है भाई यहाँ पे, शायद डबल कर रहे हैं लाइन को, ये पूरा रेलवे स्टेशन है सामने, देशनोक के नाम से कर रेलवे स्टेशन है सामने, दिख रहा है वो सामने रेलवे स्टेशन है देशनोक, ठीक है, रेलवे स्टेशन के जस्ट बैक साइड से रास्ता जा रहा है माता के मंदिर का, और भाई इतना बड़ा मंदिर जो दिख रहा है शायद वही होगा। यहाँ पे होती पार्किंग के लिए भी हो कि हमारी पार्किंग में लगाओ, तुम्हारी पार्किंग में लगाओ ताकि दिक्कत नहीं हो, नहीं लगाना चाहता, यहाँ पे जबरदस्ती है भी हमारी पार्किंग में लगाओ ताकि आपको सहूलियत मिल सके, हैं परेशान करने वाला आदमी और कुछ नहीं। वहाँ पे भी अगर आप ठीक हो तो वहीं लगा दो, अच्छी बात है, कहीं भी लगाओ जहाँ दिल करे, लेकिन क्योंकि मम्मी को चलने में दिक्कत है तो यहाँ से जाएंगे आगे, और दुकान वाले भैया ने बताया कि गेट पे बताना पड़ेगा, वो शायद खोल देंगे दरवाज़ा कि अंदर जाना है, क्योंकि चलने में थोड़ी दिक्कत है इसलिए। ये है मंदिर है ना, ये मंदिर है भाई, और ये है कबूतर, यहाँ दाना मम्मी दाना गिर गया, निके थोड़ा मम्मी को दियो, ये कबूतर देखो सारे गिर दो, सारे यहाँ तोड़ लिए वो, हाँ सारे गिरने हैं, और से पापा के सारे गिरो, शिवांश गिर दे कबूतर, दाना गिर दे बेटा, दाना गिर दे, ले गिर दे, अरे जरूरी लगा भाई लाइन। हाँ देखो बच्चों को देख रहे हो, कंडीशन सही नहीं है, साफ सफाई जितनी साफ सफाई रखनी होनी चाहिए मंदिर में ना। हेलो आगे बढ़ो, देखो पीछे ले रोड लंबी लगी है, चलो अंदर जाके पूजा नहीं कर सकते भैया पंडित जी, अंदर जाके नहीं कर सकते पूजा, उधर उधर से आ सकते हैं। चूहे पे शिवांश को देखो भाई कैसा लग रहा है, शिवांश रो रो के चूहे से डर के ऊपर बैठा है, देखो शिवांश शिवांश की हालत देख रहे हो, देखो यहाँ सर पे जाके ऊपर से आया बेटा, सर पर जाके ऊपर से मेरे चूहे देखे, कितने सारे चूहे मेरे, ये काट रहे हैं, मुझे काट रहे हैं, बताओ मुझे काट रहे हैं, ये नहीं काट रहे ना तो आपको भी नहीं काटेंगे, सब सो रहे हैं आराम से, देखो कितने बाहर है, लोकल फोक सॉन्ग है, माता रानी गाना गा रहे हैं, जो भजन गा रहे हैं, ये पुराने वो हैं बजाने के औजार,
सुबह जूस पीने जा रहे हैं, थोड़ी गन्ने का जूस पीता थक गए। ये देखिए भाई, एक गिलास बना रहे पानी पीने के लिए। ठंडा ठंडा गन्ने का रस लेते हैं भाई। नमक थोड़ा ज़्यादा करना भैया, उधर बुला दो। है ना, सतवा में तो एक ही अंदर भी पार्किंग है जहाँ पे मैंने गाड़ी पहले खड़ी करी थी। अब देखते हैं रास्ता निकलता कहाँ पे ये, ताकि अगली बार आए तो सीधे अंदर ही आ जाए बजाय इसके कि लोग परेशान हो। हाँ, वो सही रास्ता बता देता हूँ। अरे वाह, ये तो बढ़िया बाबा जी, ये जगह है। अच्छा बाबा जी, जरा मैं लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कहाँ से क्या है। देखो भाई, ये ऐसा है कि जब मेन रोड से आते हो तो ये रास्ता आता है, यहाँ से आगे मंदिर है, वहाँ पार्किंग दिख रहा है आपको लिखा हुआ, यहाँ पार्किंग लिखा हुआ है। यहाँ से जाओ बंदर के साइड सीधा, और यहाँ से जो रास्ता जा रहा है ना, ये सीधा मंदिर में जा रहा है, मंदिर के बैक साइड में बिल्कुल अंदर ही, और वहाँ जाके गाड़ी खड़ी कर लो फ्री में। वो तो मंदिर की बाहर गए, कोई पैसा वैसा नहीं है। मंदिर है ना वहाँ, चूहे चूहे हैं भाई, वो डरती है बहुत ज़्यादा चूहे से, तो हंसी मजाक चल रही थी तो निकी गए। हम कह रहे थे चूहे मर गए, काफ़ी सारे मर गए अंदर, चूहे बीमार हो गए या उम्र हो गई होगी, जैसा भी हो गया होगा। तो निकी कह रही सब बुढ़े बुढ़े थे, एक आता था जवान सा तो चूहा, अब जवान चूहा कैसा था वो मुझे नहीं मालूम। रास्ता बहुत बढ़िया है, देखो ना चकाचक रास्ता है, बिल्कुल ज़बरदस्त बढ़िया रास्ता है। एक चीज़ दिखाने दे, ये जो खेत दिख रहे हैं कितने बढ़िया फार्म हाउस बनाया हुआ है लोगों ने भाई। ये जो खेत दिख रहे हैं आपको, ये मूँगफली के खेत हैं, काफ़ी कम लोगों ने देखे होंगे मूँगफली के खेत। ये पूरा जो खेत है पूरा मूँगफली का, पूरा ग्रीन दिख रहा है, ये पूरा मूँगफली का खेत है भाई। ये जो बथुआ बीच बीच में साठ भी है, बथुआ भी है, पर मैक्सिम मतलब जो मेन खेत है साठ और बथुआ तो ऐसे बीच में हो जाता है, पर जो मेन खेत है वो आपका मूंगफली का, इधर भी और इधर भी जो पूरा दिख रहा है दूर दूर तक मुझे मूंगफली है, पूरी मूंगफली ही है भाई। किला है पूरा, इसको नारगढ़ है क्या बोलते हैं, नारगढ़ जूनागढ़ के लेके जो भी है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो यार लाइक तो कर ही सकते हैं, कम से कम एक लाइक कर दो। अगर आपको कुछ लगता है, कुछ क्वेश्चन है या फिर कुछ सजेशन है तो प्लीज़ वो भी कमेंट में डाल दीजिए। और सबसे बड़ी बात यार, लोग वीडियोस तो देख रहे हैं, हालांकि मैं बहुत शुरुआती है मेरी, अभी शुरुआती की है मैंने यूट्यूब पे, लेकिन फिर भी आप लोगों का काफ़ी प्यार मिल जाता है, मेरी उम्मीद से ज़्यादा मिल जाता है मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो जितना ही मिल रहा है अच्छी बात है, कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए यार। सब्सक्राइब करने से होता क्या कि थोड़ा सा एक अच्छा लगता है देख के, जब आप वीडियो पोस्ट करते हैं ना उसमें जब आपको व्यूज़ दिखते हैं, आपको सब्सक्रिप्शन दिखता है कि हाँ यार लोगों ने सब्सक्राइब किया आपके चैनल को, तो थोड़े एक अंदर से हौसला आता है कि हाँ चलो और वीडियो बनाते हैं, और जगह घूमने जाते हैं। बिकॉज वीडियो बनाना बहुत आसान नहीं होता यार, यकीन मानो। आप कभी अपने छोटे से वीडियो बना के देखना, उसको एडिट करके देखना, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं 10 मिनट की 15 मिनट की जो वीडियो है ना, इसको बनाने में और इसको एडिट करके अपलोड करने में कई घंटे लग जाते हैं। मतलब सिर्फ एडिट करने में मेरे जैसे बंदे को कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगता है एडिट करने में। तो यार एक सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही सकते हो, है ना चैनल को। बस बाकी आप लोगों का सहयोग चाहिए ताकि आगे बढ़ते रहें और कुछ अच्छा करते रहें। सो अब तक जितना देखा किया आपने सहयोग किया उसके लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।